हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर, और मैं हूं आपके साथ अर्चना। डिलीवरी के बाद कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं, पर उनमें से एक प्रॉब्लम जो होती है वो होती है टांकों की देखभाल करना, यानी स्टिचेस को किस तरीके से रखना है। क्योंकि अगर हम स्टिचेस की देखभाल ठीक तरह से नहीं करेंगे तो उसमें जो है पस हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो कई तरह के सवाल हमारे चैनल पे आते हैं कि टांकों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, स्टिचेस लग गए हैं तो अब हमें कैसे करना चाहिए ताकि हमारे जो स्टिचेस हैं वो अच्छे से हील हो जाएं, अच्छे से ठीक हो जाएं। तो हमारा जो आज का वीडियो है, इसमें हम यही बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद स्टिचेस की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए ताकि आपके स्टिचेस अच्छी तरह से ठीक हो जाएं, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस केस में, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी डिलीवरी जो है सी सेक्शन से हुई थी, तो मैंने किस तरह से अपने स्टिचेस की केयर की वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी में भी वजाइना पर जब जोर पड़ता है तो इसकी वजह से वो एरिया जो है फट जाता है कभी कभी, तो इसीलिए डॉक्टर जो है वहाँ पर स्टिचेस या टांके लगा देते हैं। तो इस टाइम पर यानी नॉर्मल डिलीवरी में किस तरीके से आपको अपने टांकों की केयर करनी चाहिए, कैसे स्टिचेस की देखभाल करनी चाहिए, इसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ कि आपको टांकों वाली जगह में जो है नमी नहीं बने रहने देनी है, यानी उसको जो है सूखा रहना है ताकि जो है वो टांके जल्दी से जल्दी सही हो। नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप इस टाइम पे जो है कॉटन की पैंटी पहने, जिससे कि अगर उस एरिया में थोड़ी बहुत नमी भी रह गई है तो वो जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आप जो है आपको स्टिचेस को ठीक करने में जो है हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट की ये जो डिलीवरी टाइम है तो इसमें देखिए ब्लीडिंग तो होती ही है, तो नॉर्मल डिलीवरी में जब ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, और साथ ही साथ आपको जब ब्लीडिंग हो रही है तो आप हर 2 से 3 घंटे में पैड ज़रूर चेंज करें। बहुत देर तक एक ही पैड को लगाएं ना रखें, इससे भी टांकों को सही होने में जो है टाइम लगता है। दूसरी चीज़ की जब भी आप टॉयलेट जाएं तो आप जो है जो टांकों वाली जगह है उसको अच्छे से गुनगुने पानी से वॉश कर लें, और उसको उस बाद टिश्यू से जो है साफ़ कर लें, सुखा लें उसको, ताकि जो उससे इन्फेक्शन का चांस किसी तरह का ना हो और वो एरिया जो है क्लीन रहे। नेक्स्ट चीज़ की अगर आपको स्टिचेस वाली जगह पर यानी कि उस एरिया पर अगर पेन या स्वेलिंग है यानी दर्द या सूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सैनिटरी पैड्स हटाकर पैंटी के ऊपर से जो है आइस पैक जो है लगा सकते हैं, यानी कि बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपके दर्द और सूजन में जो है आराम मिलेगा। नेक्स्ट आप जो है सिट बाथ ले सकते हैं। सिट बाथ मतलब क्या होता है कि आपको एक बड़ा टब लेना है और उसमें आपको गुनगुना पानी लेना है, और साथ में आप उसमें सेवलॉन या आपके डॉक्टर ने जो भी प्रेस्क्राइब की हो चीज़ की, जिससे आप अपने उस एरिया को जो क्लीन कर सकते हैं स्टिचेस वाले एरिया को, वो आपको उस टब में डालना है, और उसमें आपको कम से कम 5 से 10 मिनट जो है बैठे रहना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका वो जो स्टिचेस वाला एरिया है वो अच्छे से हील होगा और उसमें इन्फेक्शन का चांस जो है नहीं होगा। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, आपको इस टाइम पे अपने उठने बैठने में जो है बहुत ध्यान रखना है। आपको नीचे नहीं बैठना है, आप जब भी उठे तो आपको सपोर्ट लेके उठना है। साथ ही साथ आपको जो है जब सोना है तो आप जो है लेफ़्ट साइड करवट लेके सो सकते हैं, अपने पैरों के बीच में तकिया लगाएं ताकि आपको जो सपोर्ट मिले, या फिर आप अपने साइड में जो तकिया लगा सकते हैं ताकि आपको जो है उठने बैठने में किसी भी तरह की जो है दिक्कत ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके टांके जो है जल्दी से जल्दी सही हों। एक और चीज़ जो ज़रूरी है टांकों के जल्दी सही होने में, वो है आपकी अच्छी डाइट लेना। देखिए, टांकों के जैसे जब टांके लगे होते हैं उस टाइम पे अगर आप अच्छे से फाइबर वगैरह लेते हैं तो ये आपके टांकों के लिए सही है। अगर आप फाइबर नहीं लेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की प्रॉब्लम होगी तो आप जो है जोर लगाएंगे, जिसकी वजह से कभी कभी टांके जो है खुलने का डर रहता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप अपने डाइट में फाइबर ज़रूर इंक्लूड करें ताकि आपको कब्ज़ ना हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में लें, क्योंकि आपकी बॉडी को हील होने के लिए जो है प्रोटीन भी अच्छा चाहिए। तो इस टाइम पर अपनी डाइट में प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी केस में किस तरह से टांकों की देखभाल यानी स्टिचेस की देखभाल की जानी चाहिए, और साथ ही साथ मैं इसमें आपको जो है अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने जो है क्या क्या चीज़ें की थी जिससे कि मेरे जो टांके हैं वो जल्दी से हील हो गए, जल्दी से ठीक हो गए। सबसे पहली चीज़ जो आपको सी सेक्शन डिलीवरी में ध्यान रखनी है वो अपनी पोजिशन का ध्यान।
देखिए सही तरीके से उठना बैठना ये बहुत ज़रूरी है सी-सेक्शन डिलीवरी में, क्योंकि टांके जो हैं अगर खुल सकते हैं अगर आप ठीक से ध्यान ना दें तो। तो जब भी आप उठे तो अपने पेट पर ज़रूर एक सपोर्ट लें और उसके बाद कहीं और भी सपोर्ट लें, पकड़ के रखें चीज़ों को, बेड आपके पास जो भी चीज़ें उनका सपोर्ट लेके आप उठिए ताकि आपके स्टिचेस पे किसी तरह का जोर ना पड़े। मेरे केस में मैंने जो है ऑब्वियसली पोजीशन का तो ध्यान रखा ही था, साथ ही साथ मैंने एक एब्डोमिनल बेल्ट भी ली थी ताकि मेरे टाँकों पर किसी तरह का जोर ना पड़े और मेरे लिए भी आसान हो उठना बैठना चलना। तो इसके लिए जो एब्डोमिनल बेल्ट ली थी मैंने उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह से बेल्ट लेनी चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से लगाया जाता है। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, आप जान पाएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस टाइम पे जो है भारी वज़न बिल्कुल भी नहीं उठाना है। देखिए इस टाइम पर आप अपने सिर्फ अपने बच्चे का वज़न उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी भारी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी भारी काम करते हैं तो इससे आपके टांके खुलने का यानी स्टिचेस खुलने का डर रहता है, तो इसीलिए भारी काम करने से आपको बचना है। नेक्स्ट चीज़ की देखिए आपको टांके लगे हैं तो उस जगह को अच्छे से हील करने के लिए आपको जो है अच्छा खाना भी ज़रूरी है। तो आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रखना है, क्योंकि प्रोटीन जो है आपकी मसल्स को अच्छे से जो है डेवलप कराएगा, जो मसल्स हैं उनको अच्छे से हील करेगा, जो दिक्कत हो गई थी बॉडी में स्टिचेस आए हैं उनको अच्छे से हील कराने में हेल्प करता है। तो आपको अपनी डाइट में क्या लेना है, आप दूध, उसके अलावा जो है दालें ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, आप जो है अंडा खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है जल्दी से जल्दी हील होगी, आपके टांके जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। अगली चीज़ कि आपको जो है अच्छे से नींद लेनी है। देखिए नींद अच्छे से होने से भी आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी, तो इसीलिए देखिए आपको अच्छी नींद लेनी है। मैं जानती हूँ कि इस टाइम पे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत परेशान भी करते हैं, पर जब भी आपको टाइम मिले यानी बच्चे की नींद के अकॉर्डिंग आप अपनी नींद को एडजस्ट कीजिए और उनके साथ ही जब वो सो जाते हैं तो आप भी सो जाइए ताकि आपकी नींद पूरी हो। जितनी नींद आपकी पूरी होगी उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी रिकवर करेगी। नेक्स्ट सी-सेक्शन डिलीवरी में जो चीज़ आपके टांकों को ठीक करने में मदद करेगी वो है देखिए हल्की हल्की वॉक। डॉक्टर भी आपको जो है सेकेंड डे से ही हल्की हल्की वॉक करना शुरू करने के लिए बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पर धीरे धीरे वॉक ज़रूर करें। इससे क्या होगा, इससे आपके टांके जो है जल्दी ठीक होंगे, जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपके टांके जो है जल्दी ठीक होंगे। अगली चीज़ कि आपको जो है इस टाइम पे टांकों को ठीक करने के लिए जो है पानी अच्छे से पीना चाहिए, और शुरुआत के दिनों में आप गुनगुना पानी पिएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, या फिर अजवाइन का पानी पिएंगे तो काफ़ी अच्छा है। पर एकदम से बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, बैठकर आराम से थोड़ा थोड़ा घूट भर भर के जो है पानी पीजिए, इससे आपके टांके को जल्दी ठीक होने में जो है आपको हेल्प मिलेगी। अगली चीज़ देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि मैंने भी अपने केस में ध्यान रखती हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला था स्पेशली कि आपको जो है वो एरिया गीला नहीं करना है शुरुआत के 4-5 दिन तो बिल्कुल भी नहीं, और वो जो एक टेप लगा के देते हैं जिससे कि वो एरिया गीला ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप अपने बॉडी को जो है स्पॉन्ज कर सकते हैं उसमें, शुरुआत में आप 4-5 दिन नहीं भी नहाएंगे तो चलेगा, पर अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लें और उस एरिया को पानी से गीला नहीं होने देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आप ज़्यादा गीला कर देंगे उस एरिया को तो उसमें भी इन्फेक्शन या पस बनने का चांस रहता है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको जो है साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि किसी तरह की गंदगी हो या फिर किस तरह की आप चीज़ें ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखिए मेरे डॉक्टर ने मुझे टांकों पे लगाने के लिए जो है क्रीम दी थी ताकि वो जो टांके हैं वो जल्दी से हील हों, मुझे कुछ मेडिसिंस दी थी जो कि मैंने 3-4 दिन ली थी ताकि वो एरिया जल्दी से ठीक हो और मुझे कोई जो पेन वगैरह हो रहा था वो जो है ना हो। तो अगर आपके डॉक्टर ने भी कोई एंटीबायोटिक, कोई पेन किलर दी है या फिर कोई क्रीम दी है लगाने के लिए तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जैसा आपके डॉक्टर ने बोला है वैसा ही आपको करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि सी सेक्शन डिलीवरी में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको जो है इस टाइम पर खुले कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, जितना उसके गाउन या मैक्सी वगैरह आप पहन सकते हैं, कुर्ता पहन सकते हैं ढीला, ताकि आपकी जो उस जगह है वो एकदम खुली रहे और उसमें बहुत ज़्यादा जो है पसीना वगैरह ना आए, किसी तरह का इन्फेक्शन होने का डर ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को उनके साथ जिनकी डिलीवरी अभी भी हुई है ताकि उनकी हेल्प हो पाए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।